पश्चिम बंगाल में उपचुनाव का संग्राम, भवानीपुर सीट से आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। जम्मू में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज दूसरा दिन, पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, वैष्णो देवी मंदिर में भी किए थे दर्शन। भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल संग होगी 2+2 वार्ता का यह मुद्दों पर होगी चर्चा। करनाल में किसानों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, आज बुलाई राजनीतिक दलों की बैठक, राकेश टिकैत बोले खत्म नहीं होगा आंदोलन। अफगानिस्तान संकट को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जताई चिंता, कहा पड़ोसी देशों के लिए नई मुश्किलें खड़ी न कर दे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नॉर्वे के दूतावास पर कब्जा, ईरान में नॉर्वे के राजदूत ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी, तालिबान ने कहा था राजनयिक प्रतिष्ठानों पर नहीं किया कब्जा। पिछले 7 सालों में सर्वाधिक नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, दल बदल से सबसे ज्यादा फायदे में रही बीजेपी। देश भर में गणेशोत्सव की धूम, त्योहार के मद्देनजर मुंबई में आज से धारा 144 लागू, 19 सितंबर तक लागू रहेगी। रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी देश की ताकत, भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आज होगा लॉन्च। फिर से उड़ चली भारत UAE के बीच फ्लाइट्स, 8वां सबसे बिजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई रास्ता बना, 12 लाख लोग दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा करेंगे। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली में भी मौसम होगा सुहावना।